टी20 आईपीएल 2021 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हरा करके अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों केकेआर को 27 रन से हरा करके चेन्नई सुपर किंग्स ने टी20 आईपीएल 2021 का खिताब जो टाइटल है वह अपने नाम कर लिया। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं क्योंकि यह भी करंट अफेयर्स रिलेटेड है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके सारी जानकारी को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनल मैच के बारे में। तो फाइनल मैच 15 अक्टूबर 2021 को हुआ है। तो यह कब हुआ है? तो 15 अक्टूबर 2021 को कहाँ हुआ है? तो दुबई में, दुबई यूएई में। इसकी जो विजेता टीम रही वह है सीएसके और उपविजेता टीम रही केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स। सीएसके टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान ओयन मॉर्गन। तो ये आपको याद रखना है। फाइनल मैच में टॉस जीता केकेआर ने और जीत करके फाइनल मैच में फील्डिंग का फैसला लिया। तो केकेआर के द्वारा टॉस जीता गया और टॉस जीत करके केकेआर टीम ने फील्डिंग का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 192 रन 3 विकेट पर बनाए। तो 192 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स ने। बाद में बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 20 ओवरों में 169 रन 9 विकेट पर ही बना सकी। तो 9 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए 20 ओवर में केकेआर, और यह मैच को सीएसके ने 27 रन से जीत लिया। तो आपको इतने सारे जानकारी का ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा। तो प्लेयर ऑफ द मैच रहे फाफ डू प्लेसिस, और ये सीएसके टीम के खिलाड़ी हैं। तो फाफ डू प्लेसिस प्लेयर ऑफ द मैच रहे। अब बात करते हैं आईपीएल 2021 के बारे में पूरी तरीके से। तो आईपीएल 2021 के जो है पहला मैच खेला गया मुंबई और आरसीबी के बीच में 9 अप्रैल 2021 को चेन्नई में। तो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में चेन्नई में सबसे पहला मैच खेला गया था 9 अप्रैल 2021 को, और यह मैच जो है वो भारत में खेला गया था। दोस्तों यहाँ पर जानकारी ये रखना है कि आईपीएल का जो स्टार्ट हुआ था वह 9 अप्रैल 2021 को हुआ था, और इसमें कुछ मैच हो जाने के बाद कोविड-19 का केस भारत में बढ़ने के कारण इसका जो है मैचों को बंद कर दिया गया था और बाद में इसका रिशेड्यूल किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 9 अप्रैल 2021 को आईपीएल स्टार्ट हो गया था और पहले भारत में हो रहा था, लेकिन भारत में केसेस बढ़ने के बाद में इसको रिशेड्यूल किया गया था, और रिशेड्यूल करने के बाद इसके अगले मैचों को यूएई में खेलने की घोषणा हुई थी। तो उसके बाद में यूएई में इसके अगले मैच को खेलने की घोषणा हुई, और आईपीएल का जो है सेकेंड फेज, इसको हम कहेंगे आईपीएल का जो सेकेंड फेज है वह यूएई में खेला गया, और यूएई में पहला मैच 19 सितंबर 2021 को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला गया। तो यूएई में जो है पहला मैच 19 सितंबर 2021 को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया, और यह था मैच नंबर 30, यानी कि मैच नंबर 30 जो है वह यूएई में खेला गया, ये भी आपको याद रखना। और यूएई में ही फाइनल मुकाबला जो है वह 15 अक्टूबर 2021 को दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला गया, जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्राइज की, यहाँ पर किसको क्या प्राइज मिला है। तो विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स को 20 करोड़ भारतीय रुपये मिले हैं, यानी कि 20 करोड़ रुपये सीएसके टीम को मिला है। उपविजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को 12.5 करोड़ रुपये मिले हैं। तो 12.5 करोड़ रुपये की राशि मिली है कोलकाता नाइट राइडर्स टीम को, जो कि उपविजेता रही यानी कि रनर अप रही, और विजेता यानी कि विनर जो रही सीएसके उसको 20 करोड़ रुपये मिले। यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि फाइनल मुकाबला का बात हो रहा है यहाँ पर, तो प्लेयर ऑफ द मैच रहे फाफ डू प्लेसिस जो सीएसके टीम के खिलाड़ी हैं। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, ये भी अगला प्राइज है सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, तो इसको मिला है सिमरन हेटमायर को, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स के सिमरन हेटमायर को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का खिताब मिला है। गेम चेंजर ऑफ द सीजन, गेम चेंजर ऑफ द सीजन मिला है हर्षल पटेल को, और हर्षल पटेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी के कप्तान, आरसीबी के टीम के खिलाड़ी हैं। तो गेम चेंजर ऑफ द सीजन रहे
हर्षल पटेल। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन, पावर प्लेयर ऑफ द सीजन रहे वेंकटेश अय्यर, कोलकाता नाइट राइडर्स के हैं खिलाड़ी, तो वेंकटेश अय्यर रहे पावर प्लेयर ऑफ द सीजन। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला हर्षल पटेल को, जो कि आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाड़ी हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला है हर्षल पटेल को। ऑरेंज कैप, तो यह मिला है ऋतुराज गायकवाड़ को, जो चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके टीम के खिलाड़ी हैं। तो ऑरेंज कैप जो है वह सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है आईपीएल में, तो यही मिला है ऋतुराज गायकवाड़ को, जिन्होंने 16 मैच में 635 रन बनाए, यानी कि 16 मैचेस में 635 रन बनाए हैं। पर्पल कैप मिला है हर्षल पटेल को, और ये आरसीबी के खिलाड़ी हैं, ये 15 मैच में 32 विकेट लिए हैं। तो हर्षल पटेल पर्पल कैप के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 15 मैच यानी कि 15 मैचेस में 32 विकेट्स लिए हैं। फेयर प्ले अवार्ड, तो फेयर प्ले अवार्ड मिला है राजस्थान रॉयल्स टीम को, ये भी आपको याद रखना है, फेयर प्ले अवार्ड का जो पुरस्कार मिला है वह राजस्थान रॉयल्स को मिला है। दोस्तों इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखते हैं, तो कैच ऑफ द सीजन, तो कैच ऑफ द सीजन रहा रवि बिश्नोई, जो पंजाब किंग्स के खिलाड़ी हैं, तो पंजाब किंग्स के रवि बिश्नोई को कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है। दोस्तों सबसे ज़्यादा रन ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके के हैं, जो कि ऑरेंज कैप होल्डर भी हैं, जिन्होंने 16 मैचेस में 635 रन स्कोर किए हैं। यहाँ पर फिर बात करते हैं आईपीएल 2021 का सबसे उच्चतम स्कोरर कौन रहे, तो आईपीएल 2021 का सबसे उच्चतम स्कोरर जोस बटलर रहे, जिन्होंने 120 रन बनाए व्यक्तिगत रूप से 64 गेंदों में, यानी कि 64 बॉल्स में 124 रन जोस बटलर बनाए, और आईपीएल 2021 का सबसे उच्चतम स्कोरर रहे, और ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा छक्के यानी सिक्सेस सबसे ज़्यादा कौन मारे हैं, तो ये हैं केएल राहुल, जो कि पंजाब किंग्स के कप्तान भी हैं, और इन्होंने 13 मैचेस में 30 छक्के मारे हैं, यानी कि 13 मैचेस में 30 छक्के लगाए हैं केएल राहुल। सबसे ज़्यादा चौके की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा चौके लगाए हैं ऋतुराज गायकवाड़, और ये सीएसके खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़, जो कि 64 यानी 64 चौके लगाए हैं 16 मैचेस में 64 चौके लगाए हैं ऋतुराज गायकवाड़, और सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ी हैं। मोस्ट 90s यानी कि 90 रनों से ज़्यादा रन बनाने वाले जो सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं वह है केएल राहुल, यानी कि केएल राहुल के द्वारा मोस्ट 90s मारा गया है। तो ये 3 बार मोस्ट 90s मारे हैं 13 मैचों में, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा विकेट की बात करते हैं, तो ये मिला है हर्षल पटेल को आरसीबी के, जो कि 15 मैच में 32 विकेट लिए, और ये पर्पल कैप होल्डर हैं, ये आप लोगों को मैंने भी बताया। दोस्तों फेज वन जो कि भारत में खेला जा रहा था, तो भारत में यह 4 जगहों पर खेला जा रहा था, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली में। तो ये 4 जगहों के स्टेडियम में फेज वन खेला जा रहा था, जो भारत में हो रहा था। फिर बाद में फेज टू जो हुआ कोविड-19 के चक्कर में, तो ये यूएई के 3 जगहों पर हुआ था, दुबई, अबू धाबी और शारजाह में। तो दुबई, अबू धाबी और शारजाह ये यूएई में है 3 जगह, जो फेज टू का यहाँ पर आयोजन हो रहा था। अब दोस्तों बात करते हैं आईपीएल 2021 में पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 अंकों के साथ टॉप पर रही थी, और सनराइजर्स हैदराबाद 6 अंकों के साथ में पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही, यानी दोनों टीम 14-14 मैच खेलते, यानी कि 14-14 मैचेस में दिल्ली कैपिटल 20 अंक और सनराइजर्स हैदराबाद 6 अंक हासिल किए थे। दोस्तों आईपीएल 2021 कुल 8 टीमों के बीच खेला गया था, और इसमें लीग मैच 56 यानी कि 56 लीग मैच हुए, उसके बाद में क्वालिफाइंग मैच एक हुआ, एलिमिनेटर मैच एक हुआ, फिर क्वालिफाइंग मैच दूसरा नंबर एक हुआ, और फाइनल मुकाबला एक। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 60 मैच टोटल खेले गए, जिसमें से लीग में 56 हुए, क्वालिफाइंग मैच नंबर 1 एक हुआ, एलिमिनेटर मैच एक हुआ, फिर क्वालिफाइंग मैच नंबर 2 एक हुआ, और फिर फाइनल मुकाबला एक। तो इस प्रकार से टोटल 60 मैच खेले गए आईपीएल 2021 में, ये आपको याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कैप्टन्स की, तो सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन केन विलियमसन रहे,
आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कैप्टन विराट कोहली, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन, मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा, कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान यॉन मॉर्गन, पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल, दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन ऋषभ पंत और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रहे। तो ये भी आपको याद रखना है, कैप्टन से भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले जाए आपको। दोस्तों अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा आईपीएल खिताब किस टीम ने जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा आईपीएल का खिताब जीते हैं मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस कुल 5 बार यह टाइटल अपने नाम किए हैं और चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 का खिताब जीत करके यह चौथी बार इस टाइटल को अपने नाम किया। तो आईपीएल का चौथी बार खिताब जीता है सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना थी वो सब सारे क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप लोग इसको एक एक करके ध्यान में रखेंगे। तो आईपीएल 2021 का खिताब है सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के और इसके जो कप्तान हुआ है महेंद्र सिंह धोनी और इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को हराया। तो इतनी सारी जानकारी को आपको याद रखना है। थैंक यू दोस्तों।